अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 2023 की पहली दिन है और जनवरी की 1 तारीख है। तो आज हमने सोचा कि आज से हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तालाब नज़र आ रहा है, ये बलूचिस्तान में यानी कि बहुत सी जगहों पे इस तरह के तालाब से बने हुए हैं जहाँ से लोग इस तरह की जगहों से पानी पीते हैं। यहाँ पे आप मेहरुद्दीन भाई को पानी पीते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम आप लोगों को जानवर वगैरह भी दिखाएंगे। तो हम आज पहाड़ी एरिया के विजिट पे जा रहे हैं। गार हैं ज़्यादातर वहाँ पे, ऊंचे पहाड़ तो नहीं है लेकिन गार बहुत नीचे तक हैं, बड़ी गार हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज हमें कोई शायद भी मिल जाए तो हमें उसे लाइव आपको निकाल के दिखाएंगे। ये वही एरिया है दोस्तों जहाँ से डायनासोर की हड्डियाँ मिली हैं, और सबसे कहते हैं कि सबसे पुरानी डायनासोर की हड्डियाँ यही हैं जो क्वेटा म्यूज़ियम में आज तक भी रखी हुई हैं। तकरीबन ये 8-10 साल पहले यहाँ से दरियाफ्त हुई है। मैं बात कर रहा हूँ सुई डेरा बुक्टी से। तो दोस्तों, सुई डेरा बुक्टी का नाम कौन नहीं जानता, सबको पता है। सुई गैस तो आपको मिल रही होती है, वैसे आपको नहीं पता तो सुई गैस के नाम से आप सब लोग जानते हैं कि सुई गैस कहाँ से निकलता है। डेरा बुक्टी से सुई गैस सुई के इलाके से निकलती है। मैं सुई से बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम हमारे गैस के खातिर मैं लाइक और फॉलो। आगे आप लोगों को मैं रास्ते में भी दिखाऊंगा। हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आज हम निकले हैं दोस्तों के साथ, मेहरुद्दीन भाई के साथ मैं निकला हूं, और कुछ देर बाद हमारे एक दो दोस्त और भी आने वाले हैं। हम बाइक पे निकले हैं यहां पे, तो रास्ते में मैं आपको व्यू दिखाता रहूँगा। आगे भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे शायद तो बहुत होती है, लेकिन ये तकरीबन 1 महीने के बाद इसकी जो है ना शायद ज़्यादा होती है। अभी बहुत कम है लेकिन हम फिर भी ट्राई मारने जा रहे हैं। तो हमने सोचा आज साल का पहला दिन है, निकलते हैं, व्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलें, ये हमारे मेहरुद्दीन भाई हैं, आप लोग शायद जानते ना हो, आज के बाद जान जाएंगे क्योंकि मेरे का बाइक का ड्राइवर यही है। तो हम ज़रूर इसको साथ लेके चलूँगा जहाँ भी। ये हमारे मेहरुद्दीन भाई बड़े शिकारी भी हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो देख लें। देख लिया, शिकारी भाई है हमारे, तो ड्राइविंग भी सही करते हैं, रेत वगैरह में, तो इसलिए मैंने उठाया हुआ है। तो अकेले मैं व्लॉग भी नहीं कर सकता ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, आगे इसके नीचे गार हैं। हम उन गारों में जा रहे हैं जहाँ से इंशाल्लाह ताला शायद ढूंढेंगे और शायद निकालेंगे। उम्मीद है कि शायद मिल जाएगा। आप लोगों का हिस्सा पक्का है, पक्का व्यूअर्स का हिस्सा है। दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हम हर साल जब भी हमें शहद की ज़रूरत होती है हम आके यहां से ले जाते हैं। आप लोग दुकान पे जाते हैं, 2 नंबर शहद लेते हैं। हमें जब भी ज़रूरत होती है हम बलूचिस्तान वालों को, हम इधर पहाड़ में आते हैं और पहाड़ से शहद, खालिस बैरी वाली छोटी मक्की की शहद फ्री में ले जाते हैं। बस हमें थोड़ी सी सफ़र करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आना पड़ता है। तो चलो लाइव आप लोगों को शायद निकाल के दिखाएं, ट्राई करेंगे कि हमें शायद भी मिल जाए, नहीं तो आपको इलाके का व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, इसके नीचे जो सुरंगे वगैरह हैं, सुराख हैं, वहाँ से उम्मीद है कि हमें शायद मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें भाई। दोस्तों, डायनासोर की हड्डियों की मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सालों पहले यहाँ इस सारे एरिया में समुंदर थी, और समुंदर के साथ ही यहाँ पे साहिल समुंदर पे बहुत सारे बड़े बड़े जानवर यहाँ होते थे। आप लोग सर्च करके
क्वेटा म्यूज़ियम का वो डायनासोर देख सकते हैं जो सुई के इलाके से मिला है। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये उस एरिया से बहुत ही करीबी एरिया है। अभी अगले महीने से फुल शहद का मौसम शुरू होने वाला है, तब तो बहुत होता है, लेकिन आज हम निकले थे क्योंकि 2023 का पहला दिन था, तो हमने सोचा लोगों को इलाके का व्यू भी देते हैं और ढूंढते हैं हमें कहीं शायद जाए। यहाँ पे पिछले साल हमने शायद निकाला था, यहाँ पे आप उसके निशान भी देख सकते हैं। ये इस जगह से इसी जगह से हमने पिछले साल शायद निकाला था। अब हम ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है कि हमें दोबारा मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा है। ये हम हर साल आके निकालते हैं, तो अभी तक तो यहाँ पे नहीं लगाए, आगे जा रहे हैं, उम्मीद है लग जाए। दोस्तों, मैं और मेहरदीन भाई बहुत थक गए हैं, सारी जगह ढूंढ ढूंढ के हमें आज शायद नहीं मिला है। यहाँ पे शायद तो बहुत होता है, लेकिन ये मौसम नहीं है शायद का, लेकिन फिर भी मिल जाता है, लेकिन आज हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे लोग आज आते जाते हैं और यहाँ से शायद निकाल लेते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेहरदीन भाई की बात भी मान लें, यार हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नई जर्नी के साथ।